जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं मीनू एम एस दिव्यदिशा में स्वागत करती हूँ आपका एक नए वीडियो के साथ में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये जो कार्तिक महीना चल रहा है उसका मैं महात्म का अध्याय आपको सुनाती हूँ। तो 24 अध्याय तक हमने डाल दिया है, 25वां अध्याय मैं आपको सुना रही हूँ। तो 25वां अध्याय इस प्रकार है। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक शुक्ल दूज को यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना जी में स्नान करके यमराज का पूजन करते हैं। इस द्वितीया को भयद्विज भी कहते हैं। सहोदरा बहन ना हो तो गुरु की कन्या और अन्य संबंधी बहन की शुभकामनाएं प्राप्त करें। उस दिन बहनें अपने भाई की आयु यश बढ़ाने के लिए चिरंजीवी रहने वाले देव मुनियों का पूजन करें। चिरंजीवी हैं मार्कंडेय मुनि, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वस्थामा और परशुराम। बहने भाई को अपनी स्नेह दें, तिलक लगावें, फिर भगवान से प्रार्थना करें कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि तथा धर्म सब मेरे भाई की रक्षा करें। जब तक पृथ्वी, सूर्य आदि स्थित हैं तब तक मेरे भाई का परिवार यशवंत रहे। भाई भी अपनी श्रद्धा तथा सामर्थ्य के अनुसार बहन को पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रणाम कर दक्षिणा दे। श्री सूत जी बोले कि हे मुनियों, कार्तिक मास पर्वों का एक समुदाय है। इस मास की प्रत्येक तिथि कोई ना कोई महत्व के लिए है। इस मास की द्वितीया का इस दृष्टि से भी महत्व है कि यह भ्रात द्वितीया के नाम से प्रचलित है। द्वितीय के दिन श्रद्धालु व्रती सायकाल सूर्यास्त के बाद चंद्र दर्शन करे। अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन के बाद द्वितीया को चंद्र दर्शन भगवान शंकर की भक्ति बढ़ाता है। श्री नारद जी ने कहा कि हे राजन, बहन के प्रति भाई की श्रद्धा भक्ति का इतिहास सुने। एक समय श्री कृष्ण की लीलाओं की साक्षी यम की बहन यमुना जी ने मन में सोचा कि मेरा भाई संसार के प्राणियों की प्राण लेता है, उसके इस कठोर कार्य के लिए कभी श्राप मिला तो क्या होगा। यमुना जी इसी सोच में द्वितीया वाले दिन संकल्प कर बैठी कि मैं अपना पुण्य देकर भाई यम को रक्षा कवच दूंगी। महाराज यम को जो इसका ज्ञान नहीं था, अतः वे बहन से स्नेह आशीष लेने नहीं संध्या तक नहीं पहुंचे। उस दिन अस्त होने हुआ और भगवान सूर्य ने अपनी पुत्री को इस परोपकार हेतु व्रत करते हुए देखा तो तुरंत यम को आदेश दिया कि वे अपनी बहन से तिलक ग्रहण कर रक्षा कवच प्राप्त करें। तभी यम यमुना के समीप गए और यमुना ने श्री कृष्ण के समीप रहने का अपना पूर्ण भाई के मस्तक पर तिलक लगाकर रक्षा कवच रूप के अर्पित कर दिया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, यम तो सृष्टि के संचालन हेतु जो कार्य करते हैं वह भगवान की आज्ञा ही है, इसमें क्या डर होगा। पर अपनी बहन का प्रेम देखकर आशीष दी कि भैया दूज को जो भी अपनी बहनों से आशीष लेंगे उनकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। तो ये था आपको मैंने सुनाया 25वां अध्याय, जो कि आपने खुद देखा कितना इम्पोर्टेंट है और हमको इसकी नॉलेज कई लोगों को नहीं है। इस अध्याय को सुनने से उसकी भी जानकारी हो जाएगी। अब मैं आपको देर ना करते हुए अब सुना रही हूँ आपको 26वां अध्याय, कार्तिक महात्म का 26वां अध्याय। तो ये इस प्रकार है। जय श्री कृष्णा। श्री सूची ने कहा, हे ऋषियों, भगवान कृष्ण का एक प्रिय नाम गोपाल भी है। भगवान ने जहाँ गौओं की सेवा आनंद से की है वहीं गौ वंश की रक्षा हेतु भी कार्य किया है। सूची बोले, मुनियों कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाल अष्टमी कहते हैं, इसका भी बड़ा महत्व है। भगवान कृष्ण की कृष्ण की शक्ति जानने के लिए एक बार ब्रह्मा जी ने गोपालों के बच्चों को एक गुफा में एक माह तक छिपाए रखा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से सभी ग्वालों बालों को ऐसा बना दिया कि वे गौओं को उनके बछड़े लगते और माता पिता को उनके बच्चे। एक माह बाद ब्रह्मा ने क्षमा मांगी, तब से गोपाष्टमी का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। इस दिन सब साधनों से गौवंश की पूजा करनी चाहिए। ब्रज मंडल में वास हो तो श्री कृष्ण की आद्य शक्ति राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करें। गौवंश के चलने से उड़ने वाली धूल पापनाशक है। इस दिन गोधूल के समय गौओं के पीछे चलने से पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन गौ का दान करने से अतुलनीय फल मिलता है। तो ये था 26वां अध्याय और अब मैं आपको सुनाऊंगी 27वां अध्याय। तो ये है कार्तिक मास का 27वां अध्याय, वो इस प्रकार है। जय श्री कृष्णा।
राजा प्रथु पूछने लगे कि नारद जी, आप वेद शास्त्र तथा पुराणों के जानने वाले हैं, सो कृपा करके यह बताइए कि किस देवता की परिक्रमा का क्या फल होता है। यह वार्ता सुनकर नारद जी कहने लगे कि देवी की एक, सूर्य की सात, अग्नि की सात, गणेश जी की तीन, शिव जी की आधी, पितरों की तीन तथा अथवा चार तथा विष्णु की चार परिक्रमाएं होती हैं। परिक्रमाओं के पुण्य के संबंध में ब्रह्मा जी का कहा हुआ एक इतिहास सुनो, जिसमें बृहस्पति तथा इंद्र का संवाद है। वैवस्वत मन्वंतर में एक समय इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछा कि हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले यह सृष्टि कैसी थी। यह सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे, उस समय की बात तो हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि उस समय को 6 मन्वंतर बीत चुके हैं, परंतु आपके ही नगर में एक सुधर्मा नामक व्यक्ति है, वह सब कुछ बता सकता है, अतः उसके पास चलिए। तब बृहस्पति जी सब देवों तथा इंद्र को साथ लेकर सुधर्मा के पास आए। सुधर्मा ने गुरु जी सहित इंद्रादि देवों का आदर सत्कार किया। इंद्र सुधर्मा की राज लक्ष्मी तथा वैभव देखकर दंग रह गया। तत्पश्चात कहने लगा, इतनी संपत्ति तुम्हें कैसे प्राप्त हुई, तुमने कौन सा तप यज्ञ दान आदि किया था, ब्रह्म काल के पूर्व की बातों को तुम कैसे जानते हो। सुधर्मा ने विनम्रता से उत्तर दिया कि हे देवराज, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में जाते हैं, में लोक में थे, तब वहां पर रहते हमारे इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि उनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। इसके पश्चात हम स्वर्ग में आए, हमने जो भी एक अच्छा कर्म किया, उसके कारण हमें इतनी लंबी आयु मिली। यह आयु, यश, धन सभी ईश्वर कृपा पर आधारित होते हैं। हे देवराज, आप पूर्व जन्म का वृत्तांत सुने। पूर्व जन्म में हम गिद्ध थे। एक समय कार्तिक शुक्ल नवमी को श्री विष्णु के मंदिर पर बैठे हुए थे, तभी एक शिकारी ने हमको बाण मारा, जिससे हम घायल होकर मंदिर में आ गिरे। उसी समय एक कुत्ते ने हमको पकड़ लिया। उस कुत्ते को देखकर और कुत्ते भी वहां पर आ गए। वह कुत्ता जिसने हमें पकड़ा था, अन्य कुत्तों के डर के मारे मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। इस प्रकार मंदिर में भगवान के शिव विग्रह के विक्रय की प्रदक्षिणा करते करते हमारी मृत्यु हो गई। प्रदक्षिणा से भगवान प्रसन्न हुए और हमको अपना परम पद दे दिया। यह सुनकर इंद्र को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने विध पूर्वक भगवान का पूजन किया तथा प्रदक्षिणा की। नारद जी कहते हैं, हे राजन, कार्तिक शुक्ला नवमी सतयुग की आदि तिथि है। उस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, दान, तप तथा यज्ञ करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। यदि कार्तिक कृष्ण नवमी को मथुरा में जाकर भगवान की पूजा व प्रदक्षिणा की जाए, तो उसके फल का तो कहना ही क्या है। प्रदक्षिणा करने में जितने पग उठते हैं श्रद्धालु भक्त के, उतने ही कुल वैकुंठ में जाते हैं। यदि मथुरापुरी दूर हो तो अन्य किसी स्थान पर भगवान के शिव विग्रह की प्रदक्षिणा करें। विष्णु की मूर्ति, गौ, शालिग्राम और तुलसी की ही प्रदक्षिणा कर लेने से परम पद मिलता है, परंतु पर्यंत सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल मिलता है, वही शालिग्राम तथा तुलसी की प्रदक्षिणा करने से प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ला नवमी को देवालय, तुलसी वन, साधु, वेद तथा पुराण आदि प्रदक्षिणा के लिए सुनिश्चित है। संकल्प पूर्वक प्रदक्षिणा करनी हो तो प्रातः काल उठकर स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए सूर्योदय के पूर्व से प्रदक्षिणा प्रारंभ करें। देवी स्थान तथा शालिग्राम की मूर्ति की प्रदक्षिणा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। सनातन धर्मावलंबी देव पूजन के उपरांत क्षमा प्रार्थना करते हैं। इसका उद्देश्य प्रभु से यह प्रार्थना है कि पूजन में यदि कोई त्रुटि रह गई हो अथवा पूजन करने में कोई कमी रह गई हो, तो आराध्य देव इस पूजन को संपूर्ण मानकर स्वीकार करें। इसके उपरांत साधक स्वयं अपने स्थान पर खड़े होकर एक परिक्रमा करे और प्रभु से जन्म जन्मांतर के पापों के लिए क्षमा मांगे। इस प्रकार प्रभु की कृपा प्राप्त करे। तो ये थी, मैंने आपको सुनाया 27वां अध्याय, और इसके बाद मैं आपको 28वां अध्याय सुनाऊंगी। और ये मैं आपको बता दूं कि जो है ये सारे अध्याय हैं, इसमें बहुत विशेष जानकारी है, जो कि हमको बहुत जानकारी मिलेगी। अगर आप पूरे वीडियो को आप आराम से सावधानी से सुनते हैं, तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। और जो पुण्य मिलेगा वो तो है ही है, और आप शेयर करेंगे वीडियो को तो आपको इसका कई गुना फल मिलेगा। क्योंकि कहते हैं एक कुछ पुण्य काम
काम कर रहे हैं उसको किसी को हम सहयोगी बना लेते हैं या किसी की हेल्प करते हैं तो उसमें कई गुना हम बढ़कर पुण्य प्राप्त करते हैं। तो ये मैंने आपको सुनाए 25, 26 और 27 महात्म के अध्याय कार्तिक महात्म के। और आपको मेरा वीडियो ये कैसा लगा जरूर आप जय श्री कृष्ण लिख कर जरूर आप बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और आप सुझाव अपने दीजिए कि हम और क्या क्या इसमें कर सकते हैं, तो हम उस तरह की वीडियो डालें, अपलोड करें और आप जरूर देखें। अपलोड जब हम करते हैं तो आप मेरे चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तभी आप देख सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास में मेरे चैनल आ पाएंगे और आप मेरे सारे वीडियो, मैं अभी एकादशी देवउठानी एकादशी है उसका वीडियो डालूंगी और वो अपलोड करूंगी, तो वो भी आप कथा आराम से सुन सकते हैं। मैंने आंवला नवमी का भी डाला है और सारी एकादशियों के हमने वीडियो डाले हैं। तो अगर आपको कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियों के व्रत की कथा सुननी है या फिर कोई रेसिपी देखनी है या किसी प्रकार की जानकारी हासिल करनी है तो आप मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना पुश करना ना भूलें। और आशा करती हूँ आपको मेरे ये वीडियो जरूर पसंद आए होंगे। अब बाकी रह गए हैं 28 से लेकर 35 तक अध्याय, वो मैं अब आगे अपलोड करूँगी क्योंकि कुछ जो अध्याय है वो बहुत लंबे होते हैं तो इसलिए मैं एक ही अध्याय डालती हूँ। तो अभी ये थोड़ा छोटा था इसलिए मैंने तीन अध्याय डाले हैं 25, 26, 27। तो इसको आप बहुत ध्यान से सुनिए और लोगों में इसको शेयर जरूर करिए, लोगों की हेल्प करिए। और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसी के साथ में जय श्री कृष्णा, अच्छे वीडियो के साथ में फिर आऊँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना प्लीज़। जय श्री कृष्णा।